जिन जांच एजेंसियों पर जस्टिस को डिलीवर करने का दारोमदार होता है, उन जांच एजेंसियों के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनके प्रकोष्ठ के तौर पर काम करने की वजह से दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। मसला सिर्फ ये नहीं कि इन दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, बात यह भी गौर करने वाली है कि इन दो वरिष्ठ मंत्रियों ने अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल के तौर पे दिल्ली की जनता को जो जो दिया, उसने न सिर्फ दिल्ली का मान बढ़ाया बल्कि पूरी दुनिया में हम भारतवासियों को गर्व के अवसर प्रदान किए। हम भारत में रहने वाले लोगों का सीना चौड़ा किया। पूरी दुनिया में जो विश्वविख्यात मोहल्ला क्लिनिक है, दिल्ली का जो हेल्थ का मॉडल है, उसे जनता को सौंपने वाले जैन साहब भाजपा की साजिशों की वजह से जेल में है, और उसके बाद देश के सबसे लोकप्रिय, बल्कि मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय मुख्य शिक्षा मंत्री कहूंगा, मनीष सिसोदिया जी भी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। इन दोनों वरिष्ठ मंत्रियों के कंधों पर दिल्ली के चलने की या दिल्ली के को चलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। बहुत सारे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोस थे, विभाग थे। अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा से दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रही है, क्योंकि सरकार का कमिटमेंट रहा है कि सेवा सियासत के ऊपर है। इसलिए बहुत जल्द दिल्ली की सरकार में के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन दो मंत्रियों के इस्तीफे के बाद दो और दो नए चेहरे शीघ्र ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, वो भी सिर्फ इस वजह से कि दिल्ली की सेवा चलती रहे अनवरत। दिल्ली वालों के काम नहीं रुकने चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी रोड़े क्यों ना अटकाए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक और दिल्ली की प्यारी जनता, इन सबका स्नेह, आशीर्वाद और इन सब की नैतिकता की ताकत इन दोनों मंत्रियों के साथ थी, है और